आगे देखिए 44वां सूत्र, बोलिए, ऊहादिभिः सिद्धिः अष्टधा। आठ प्रकार की सिद्धियां हैं और वो कौन सी? ऊहा इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है, तो उस प्रकार की इनके नाम भी दिए हैं इन्होंने, तार सुतार, तार तार, रम्यक, सदा प्रमुदित, प्रमोद, मुदित, मोदमान, ऐसे ये नाम भी दिए हैं इनके आठों के। तो उहु नाम की सिद्धि, ये बुद्धि की सिद्धियां हैं, बौद्धिक रूप से सिद्धियां हैं। ये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं पुस्तकों से, पुस्तकों को गुरुमुख से सुन के पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक अच्छा तरीका है, प्राप्त करना चाहिए। लेकिन सब चीजें हम गुरुमुख से सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल गुरुमुख से सुनने तक ही सीमित हो जाए, ये अच्छी बात है कि वो गुरुमुख से सुन रहा है, पढ़ रहा है, न पढ़ने से ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी की इतनी ही सामर्थ्य हो कि बस पुस्तक को गुरुजी ने पढ़ाया, जैसा समझाया बस वैसा समझ लिया, उससे आगे कुछ नहीं जा सकता वो, तो ये एक स्थिति है, उतना तो ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिस बात को गुरु ने नहीं भी पढ़ाया लेकिन पुस्तक को पढ़ के अपनी ऊहा से उन बातों को समझ लेता है, ये एक सिद्धि है, एक योग्यता है, और ये भी मुक्ति के लिए आवश्यक है। जिस व्यक्ति की अभी इतनी योग्यता है कि बस गुरुमुख से जो बताया गया उतना ही पढ़ सकता है, उतना ही समझ सकता है, और उतना ही बोलता रहेगा वो, उससे अतिरिक्त कभी नहीं बोल पाएगा, जितना पढ़ा है उतना बोलता रहेगा, समझता रहेगा, बताता रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सूझ सकता उसको, तो ये भी मुक्ति में एक बाधा है। इतने मात्र से मुक्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि जो ज्ञान है वो गुरुमुख से मिलता है, वो एक सीमित मात्रा में ही मिलता है, उसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थल ऐसे होते हैं जहां स्वयं की ऊहा से हमें वहां समझना होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊहा से, बिना गुरु के, अपनी ऊहा से शास्त्रों को समझ में समर्थ है, चाहे कुछ अंश या पूरा शास्त्र, तो ये एक उसकी सिद्धि है, एक योग्यता है, उसकी क्षमता है, और ये उसके लिए मुक्ति में सहायक बनेगी। ये एक सिद्धि हुई, ये तार नाम की सिद्धि। अब यदि कोई इतने तक ही सीमित रहे कि ज्ञान के लिए उसको पुस्तक चाहिए, और पुस्तक में तो ऊहा करके स्वयं समझ लेगा भले ही गुरु ना हो, लेकिन अगर पुस्तक नहीं है तो अब आगे कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं पर ही अटक के रह गया, तो ये भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, ये उसकी एक सीमा आ गई। ठीक है, वो ऊहा कर लेता था, अच्छा है, लेकिन इतने मात्र की क्षमता जिसकी है, बौद्धिक क्षमता, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है कि स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रहा है वो, लेकिन बस वैसे ही कहीं से भी कुछ सुन लिया, किसी का वचन सुनने में आ गया, भले ही किसी सामान्य व्यक्ति का, कोई भजन की पंक्ति आ गई, कोई वैसे ही सुन लिया, शास्त्र नहीं पढ़ा उसने, लेकिन वो सुनकर के ही एक बोध को प्राप्त करता रहता है, ज्ञान प्राप्त कर रहता है, ऐसी जिसकी सामर्थ्य है, ये भी एक सिद्धि है। गुरु भी नहीं है और शास्त्र भी नहीं है, ऐसे ही चलते फिरते कोई वाक्य किसी के मुख से निकल गया, सुनने में आ गया, और उसी से बोध को प्राप्त कर रहा है वो, उतने उतने अंश में, पूरा नहीं लेकिन जितना भी है, तो ये भी सामर्थ्य साधक में होनी चाहिए कि कहीं कोई शब्द सुना, वाक्य सुना, उससे भी कुछ अंदर से बातें निकाल ले और अपने को जागृत कर ले और प्रेरित करता रहे, नई नई बातें निकाल ले, ये जिस क्षमता जिसमें है, ये एक सिद्धि है, ये मुक्ति में सहायक बनेगी। तो केवल गुरु तक अटकना व्यक्ति तक, शास्त्र और व्यक्ति तक अटका देगा, केवल शास्त्र तक अटकना, स्वयं अर्थ कर लेता है तो भी अटकेगा वो, कहीं से भी वो सुन रहा है उससे भी अर्थ निकाल सके, ऐसी सामर्थ्य भी साधक में होनी चाहिए, ये भी एक सिद्धि है। तो इसको कहा
सुतार नाम की सिद्धि। अगली सिद्धि है तार तार नाम की, कि कहीं से कुछ सुना भी नहीं, कहीं से सुना भी नहीं, कोई शब्द भी नहीं सुना, कोई वचन सुन लिया, सूक्ति सुन ली, वो भी नहीं सुनी, बस संसार में जी रहा है वो, और उसके बिना अपने चिंतन से ही ऐसी ऐसी बातें सोच लेना, नई नई बातें निकाल लेना, निष्कर्ष सही निकाल लेना, ये सामर्थ्य भी साधक में होनी चाहिए, नहीं तो अटक जाएगा। जितना पहले की क्षमता है वहां से जितना पहुंच सकता है वहां तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि हर चीज को न तो कोई गुरु बता सकता है, न सब पुस्तकों में लिखी होती है, न कहीं सुनने को मिलती है। हर व्यक्ति अपने ढंग से जहां साधना कर रहा है, जिस परिस्थिति में है, कहां कौन सी कैसी स्थिति आ रही है, वो निर्णय तो उसको ही वहीं करना होता है, वहीं उसकी खुद की समझ होनी चाहिए, व्यक्तिगत एक योग्यता क्षमता होनी चाहिए। तो जिसकी ऐसी क्षमता होती है वो एक उसके लिए सिद्धि है, एक सामर्थ्य है और मुक्ति में सहायक है। और ऐसा किसका नहीं है, ये सारी चीजें ये अशक्ति के अंतर्गत आएगा। ये सिद्धियां अगर नहीं है किसी में तो उतनी उतनी अशक्ति है उसमें, मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से असमर्थता है। ये शक्तियां हमें विकसित करनी है, प्रयास से सिद्ध करनी है, नहीं तो पुण्य कर्म ऐसे करने हैं कि अगले जन्म में हमें ये ऐसी शक्तियां जन्म से मिले, प्राप्त रहें। ये शक्तियां आवश्यक है मुक्ति के लिए। और आगे कहा कि जो अपने विचार से करते हैं, स्वयं सोच करके, एक है कि कोई घटना घटती हुई देखी, इसको मैं क्रम बदल रहा हूं, अपना वाला थोड़ा और पीछे चला जाएगा। किसी से शब्द सुना तो हुआ, एक बात है, शब्द नहीं सुना लेकिन घटना को देखा जीवन में, और उस घटना को देखते ही बोध प्राप्त कर लिया, ये सामर्थ्य भी होनी चाहिए, ये एक शक्ति है। और अगर कोई दुनिया की घटनाओं को देख करके नहीं सीख पा रहा है, बस शास्त्रों से पढ़ पढ़ के तो सीखता जा रहा है लेकिन दुनिया की घटना से वो नहीं देख पा रहा है, इसके साथ ये हो गया, इसने ऐसा किया तो ये हो गया, ऐसा नहीं सीख पा रहा है, तो भी उस साधक में कमी रहेगी। ये देख देख करके भी सीखना होता है। और फिर अगली ये है कि उसने कोई घटना नहीं भी देखी, घटना नहीं है तो भी उसकी बौद्धिक क्षमता ऐसी है कि वो विचार करके कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ही होने वाला है, हर घटना को सामने होते हुए देखे, हर घटना हमारे सामने मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। कोई घटना आएगी हमारे सामने, कोई नहीं भी आएगी, घटना नहीं आई तो इसका मतलब है हमारा अज्ञान ही रह जाएगा उसमें। तो ये साधक की क्षमता होनी चाहिए कि कुछ घटनाएं जो उसके सामने आई उसी के आधार पर सोच सोच के वो और सब बहुत सारी घटनाओं को भी कल्पित कर लेता है वास्तव में, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो तथ्यों के आधार पर, और उसी से निर्णय निकाल लेता है, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, विवेक को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक सिद्धि है। और इसके आगे फिर इन्होंने सदा प्रमुदित कहा कि एक तो है कि बाह्य साधन, ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो मिल गए तो अपने अंदर निर्मलता को प्राप्त किया, विवेक को प्राप्त किया, बाहर से कुछ भी साधन नहीं मिल रहे तो भी अंदर निर्मलता को प्राप्त कर लिया, ये है सदा प्रमुदित सिद्धि। और फिर इसके बाद की जो तीन है, वो तीन जो दुख है हमारे, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये जो दुख है इन दुखों से अपने को बचा के रख पाना, अपने को पृथक रख पाना, कम से कम वो आए, और आ भी गए तो भी अंदर से वैसे दुखी नहीं होना जैसे कि सामान्य व्यक्ति हो जाता है, कल्पित रूप में दुखी होता है, वो नहीं होना, जितनी बाधा हुई है बस उतना ही, और उसमें भी अपने को संतुष्ट रखते हुए और अपना जीवन चलाना। तो ये आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दृष्टि से यथाक्रम से इनको प्रमोद, मुदित और मोदमान, ये नाम की सिद्धियां कहा गया। ये अपने आप में बड़ी सिद्धि है कि आध्यात्मिक दुख आ गया और वो अपने को दुखी नहीं कर रहा है। दुख तो आए हैं, बाधाएं तो आ चुकी हैं, रोग हो गया और कुछ हो गया अपने ही कारण से, लेकिन फिर भी उससे ऐसा परेशान नहीं हो रहा है कि अपनी दिनचर्या है या अपना साधना है उससे वो विमुख हो जाए, फिर भी चल रहा है। आदि भौतिक दुख आते ही रहते हैं अन्य प्राणियों से, मनुष्यों से, औरों से, वो होते हुए भी चल रहा है वो।
नहीं तो वो छोटा सा दुख भी आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, और उसी को मन में बैठाए बैठाए रखता है व्यक्ति, और बाधा बनी रहती है, साधना ही नहीं हो पाती फिर। तो उन बाधाओं के होते हुए भी, आदि भौतिक अन्य प्राणियों से आने वाले दुखों के होते हुए भी, जो अपने को साधना में चलाता रहता है, ये एक सिद्धि है, ये मुदित नाम की सिद्धि है। और आधि दैविक दुख वो भी आते रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश और न्यूनाधिकता इनमें होती ही रहती है। उनके होने पर भी जो भी स्थिति है उसमें अपनी अध्यात्म की यात्रा को जो चलाता रहता है, दुखी नहीं हो जाता। जितना है साधन उसी में, जो भी साधन है उसी में ही चल रहा है, जितनी बाधा है उसके होते होते भी वो कर रहा है, यानी एक तरह से अपने को फिर भी प्रसन्न रख रहा है। अगर प्रसन्न नहीं रख पाएगा तो साधना कैसे करेगा। तो बाधाओं को सहन करते हुए भी जितने फिर भी साधन उपलब्ध हैं उसी में प्रसन्नता मनाते हुए वो चलता रहता है, ये मोदमान नाम की अंतिम सिद्धि है। ये क्षमताएं हैं साधकों की, किसी में कोई सी होती है, किसी में कोई सी होती है, जिसमें ये सारी हो तो उसका अध्यात्म मार्ग बहुत शीघ्रता से चलेगा। इन सिद्धियों के कारण से उसमें गति शीघ्रता से होगी, उन्नति शीघ्रता से होगी, और जितनी जितनी जिसमें कमी है उतनी उतनी अशक्ति है, ये हम समझ सकते हैं। और इसीलिए किसी साधक में शीघ्रता से गति देखते हैं, किसी में देरी से देखते हैं, उसमें कारण ये अशक्तियां होती हैं तरह तरह की, शारीरिक, इंद्रियों की, बौद्धिक, ये जो यहाँ पर तुष्टि और ये सारी चीजें बताई गई, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। हम अपना अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हमारी कहाँ अभी कमी है, उस क्षमता को बढ़ा करके और हम और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो उहा दिवि सिद्धि अष्टधा, ठीक है। अब इसमें अगला सूत्र इसी बात को, ये जो पीछे सिद्धि कही गई थी उससे संबंध में एक बात और बता रहे हैं। बोलिए। न इतराद इतरहाने न विना। ये जो पीछे आठ प्रकार की सिद्धियां बताई गई, देखा इतर हाने न बिना, ऊपर वाली के हटाए बिना न इतरात, बाद वाली कोई सिद्धि नहीं होती है। जो शुरू की सिद्धियां हमने देखी थी, ऊपर वाली सिद्धि नहीं है फिर भी आगे वाली है तो उसको सिद्धि माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए पहली बात है, वो सिद्धि में नहीं है कि शास्त्र का अध्ययन गुरु मुख से कोई कर पा रहा है, अपने आप में है वो सिद्धि, लेकिन उसको सिद्धि के रूप में माना नहीं है यहाँ इन्होंने। पहली सिद्धि क्या थी कि शास्त्र है गुरु नहीं है तो भी शास्त्र से शास्त्र को वो समझ लेता है, ये पहली सिद्धि हुई। तो ये कब है, जब गुरु नहीं है, गुरु भी है शास्त्र भी है और वो समझ रहा है, वो कहे कि मैंने समझ लिया मेरे में सिद्धि है, ये सिद्धि की पता ही नहीं लगेगा उसका, ये सिद्धि है ही नहीं। जब गुरु नहीं है तब वो शास्त्र को, उन स्थलों को जहां गुरु ने नहीं बताया, गुरु ने नहीं सिखाया, छूट गया, तो भी वो अपने को अर्थ को अर्थ तक पहुंच जाता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये सिद्धि कहलाएगी उसकी। अब ये पहली सिद्धि हो गई कि पुस्तक से स्वयं ही समझ लेना, और अगली सिद्धि क्या थी कि पुस्तक के बिना भी शब्द को सुन करके कहीं से भी आ गया उसी से ही समझ लेना। अब यदि पुस्तक भी है और फिर कोई समझ रहा है तो अब उसको सिद्धि नहीं कहेंगे। अगली सिद्धि कब बनेगी, जब पुस्तक भी नहीं है, जैसे गुरु नहीं था तो वो पहली सिद्धि थी, अभी पुस्तक भी नहीं है तब भी वो समझ पा रहा है उन बातों को तो ये सिद्धि है, केवल सुन करके, शब्दों को सुन के। और उससे अगली सिद्धि कि उसने शब्द भी नहीं सुने, घटनाएं देखी और घटनाओं को देख करके ही सीख गया, किसी ने बोल के नहीं बताया कि देखो ये संसार में दुख है, संसार बंधन का कारण है, कोई उपदेश नहीं उसको, या किसी विषय विशेष में उपदेश नहीं, लेकिन घटना को देख करके सीख गया। तो ये कब सिद्धि मानी जाएगी, जब शब्द नहीं आया होगा उसके पास, किसी ने बताया नहीं होगा। अगर किसी ने बता दिया तब तो बताने से भी पता लग गया, ये सिद्धि तब कहलाएगी जब पिछला वाला नहीं है तब भी वो जान रहा है। और उससे अगली सिद्धि थी कि बिना घटना के भी अपनी बौद्धिक क्षमता से ही वो विचार कर लेता है, आगे आगे निष्कर्ष निकाल लेता है, ये एक सिद्धि है।
अब यदि सब घटनाएं ही होती रहेंगी, घटना से ही निष्कर्ष निकालता रहेगा, तो फिर ये बिना घटना के जो निष्कर्ष निकालना है, विवेक वैराग्य को प्राप्त होना है, उसका तो अवसर ही नहीं होगा, तो वो सिद्धि ही नहीं कहलाएगी। आजकल वैज्ञानिक करते हैं, जैसे परमाणु विस्फोट भारत ने किया, तो जितने भी किए 2-3-4 तो कहते हैं बार बार विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है हमारे को। क्यों नहीं है? क्योंकि विस्फोट करके जो आंकड़े लेने थे उन्होंने ले लिए, निकाल लिए। अब उन्हीं के विश्लेषण से वो नई नई बातें कर लेंगे जो कि उन्होंने वास्तव में वहां नहीं करके देखी, लेकिन जो निष्कर्ष निकले, जो आंकड़े आए, उसके आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष वर्षों तक निकालते रहेंगे। बार बार करने की जरूरत नहीं है। यानी बम विस्फोट ऐसा हुआ जैसे कि घटना। अब हर चीज के लिए बार बार घटना कर करके इतने बम विस्फोट कर करके देखें संभव भी नहीं हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर की क्षमता है कि एक दो घटनाओं को देख करके ही जो सूचनाएं मिली, अब उसके आधार पर और बहुत सारा आकलन अपने आप कर लिया उसने। ये एक सिद्धि है, उसकी क्षमता है कंप्यूटर की। ऐसा ही है हमारी बुद्धि के लिए, वो क्षमता बताई जा रही है कि संसार की घटना को देख करके विवेक वैराग्य आ रहा है। अच्छी बात है, कुछ आवश्यक है वो भी, लेकिन घटनाएं नहीं भी हैं तो भी जिन घटनाओं को देख के सूचनाओं का हमने संग्रह किया है उसी के आधार पर बाकी चीजों का भी निष्कर्ष निकाल लेता है वो, अविवेक वैराग्य की स्थिति में चला जाता है। ये क्षमता है उसकी, ये एक सिद्धि है उसकी, और ये करना ही होता है। अगर कोई पुस्तक तक, गुरु तक, अपने आप अध्ययन तक या शब्दों तक, घटना तक अटका है और अगर स्वयं विश्लेषण नहीं कर रहा है जो घटनाएं नहीं भी घटी हैं, तो उस पूरे विवेक को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब की सीमा है, ग्रंथ की सीमा है, गुरु की सीमा है, अपनी ऊहा की भी सीमा है, दूसरों के द्वारा शब्द सुनने की भी सीमा है, घटनाओं की भी सीमा है। सबके सामने सब घटनाएं घटी नहीं सकती। परिवारों में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं वैराग्य को पैदा करने वाली, हर परिवार में तो नहीं होती, सुनने देखने को भी नहीं मिलती। बहुतों को ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं, ऐसे ऐसे धोखे होते हैं, ऐसा ऐसा स्वार्थ होता है, देखने सुनने को भी नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं। तो वो तो स्वयं को निकालने होते हैं, इस साधक को अपनी क्षमता विकसित करनी होती है। तो ये सिद्धि हुई। तो ये जो 45वां सूत्र कह रहा है, न इतरार इतर हाने न बिना, इतर हान का यानी ऊपर के हटाए बिना नीचे वाली सिद्धि सिद्धि नहीं कहलाएगी। अब मान लीजिए बम विस्फोट बार बार करते रहें और निष्कर्ष निकालते रहें, तो बोले हमने तो कंप्यूटर से निकाल लिया। कंप्यूटर से क्या, आपने तो बार बार विस्फोट किए हैं, ये कोई क्षमता हुई कि आप बिना विस्फोट किए निष्कर्ष निकाल लेते? कुछ कुछ बम विस्फोट से ही बाकी सारे निष्कर्ष निकाल लेते, ये सिद्धि कहलाएगी। तो हटाना पड़ेगा पीछे वाला, तो पीछे वाला हटाते हैं तो आगे वाली सिद्धि कहलाती है। ये 45वें सूत्र में कहा, ठीक है। तो ये बहुत सारी संख्याएं हमारे यहां आ गई, 5 विपर्य, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। अट्ठाईस प्रकार की अशक्तियां, 9 प्रकार की तुष्टियां, संख्या ही लिख देना, और ऊहा 8 प्रकार। वो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएंगे, जितनी आए ठीक है, सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा लिख देना, और जिनको नाम याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे देखें, अब ये जो हमारे बहुत सारे शरीर हैं, कर्मों के अनुसार हमें भोग मिलते हैं, शरीर प्राप्त होते हैं, यानी व्यक्ति, व्यक्तियों में सृष्टि की भिन्नता है कर्म की विचित्रता से। ये किस किस तरह के होते हैं उसका थोड़ा उल्लेख करते हुए अगले 2 सूत्र हैं, बोलिए, दैवादि प्रभेदा। अगला सूत्र भी बोलिए, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि ही आविवेकात्। तत्कृते, उस पुरुष के लिए ये सृष्टि ही सृष्टि चलती रहेगी। कैसी सृष्टि? एक तो दैवादि प्रभेद से, कि देव, मनुष्य, राक्षस, तिर्यक योनिया, ऐसे ये जो अलग अलग है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ये
और दूसरे ढंग से कहा आ ब्राह्मण, ब्राह्मण से लेकर के यानी ज्ञानी से लेकर के, मनुष्यों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान के कारण से, योग्यता के कारण से, विवेक वैराग्य के कारण से, और स्तंभ पर्यंतम यानी जो स्तंभ ये पेड़ आदि होते हैं जिनके खंभे होते हैं, एक तरह से तने होते हैं, यह सबसे तमोगुणी योनिया शरीर माने जाते हैं जो कि स्तब्ध खड़े रहते हैं, तमोगुण अधिक होता है। तो ब्राह्मण सबसे सजग है और ये वृक्ष आदि सबसे कम चेतन है, कम बोध वाले हैं, तमोगुणी हैं। तो ये जितनी भी सारा ये जो सृष्टि है ये आत्मा के लिए ही है, लेकिन कब तक होती है? अविवेकात, पहले भी आया था, विवेक होने पर्यंत इसकी संस्कृति चलती रहेगी, सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा, ये शरीर मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, विवेक हो गया तो बस आगे नहीं मिलेगा, विवेक पर्यंत ये चलता रहेगा, विवेक के बाद अगला शरीर नहीं आएगा। तो ये जो तीन अलग अलग भेद किए गए उसको बता रहे हैं कि इन शरीरों में जो सबसे ऊंचे स्तर के होते हैं उनमें क्या होता है, तो 48वां सूत्र बोलिए, ऊर्ध्वम सत्व विशालाः, इसमें जो दैवी सृष्टि है, जो ब्राह्मण है, ज्ञानवान है, वैज्ञानिक है, इनमें क्या होता है, ये सत्व की विशालता होती है, इनमें सत्व गुण की अधिकता होती है, सात्विकता अधिक होती है, इसीलिए उनमें प्रकाश, ज्ञान, शांति, धैर्य, परोपकार, ये चीजें अधिक मिलेंगी। तो सत्व गुण की अधिकता जहां होती है वहां श्रेष्ठ स्थिति होती है, उत्तम शरीर माने जाते हैं। तो ऐसा ही मनुष्यों में भी हो सकता है कि अगर हम साधना करते करते अपने अंदर सात्विकता ला रहे हैं तो मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगला सूत्र बोलिए, तमो विशाला मूलतः, मूलतः मतलब नीचे, जड़ होती है वो नीचे होती है, सबसे नीचे होती है, यानी पेड़ की दृष्टि से देखें तो ये जो जड़ वाले होते हैं, जो सबसे नीचे वाले होते हैं प्राणी, उनमें तमो विशाला तमोगुण की अधिकता होती है, ज्ञान की उतनी न्यूनता होती है, वो सक्रिय नहीं रहते हैं, ज्ञान की दृष्टि से बोध नहीं होता है, ऊहा नहीं कर सकते, अपनी उन्नति नहीं कर सकते, तामसिक रूप से बस पड़े हुए हैं, अर्धमूर्छित अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तमोगुण की अधिकता रहती है। ऐसा ही हम मनुष्य के शरीर में भी समझ सकते हैं कि मनुष्य शरीर में आते हुए भी, रहते हुए भी, यदि वहां तमोगुण की अधिकता है, आलस्य प्रमाद अधिक है, सक्रियता नहीं है, मेहनत नहीं है, ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है, जड़ की तरह जैसे हैं बस वैसे ही उनको उसी में ही अच्छा लगता है, कोई ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, उन्नति की इच्छा नहीं, कोई उत्साह नहीं, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं ऐसा ऊंचा, वो सबसे नीचे वाले। अगला सूत्र बोलिए, मध्य रजो विशाला, और जो मध्यम स्तर के हैं उनमें रजोगुण की अधिकता रहेगी, रजोगुण क्रिया का द्योतक है, वो सक्रिय अधिक होंगे, ज्ञान कम होगा, ज्ञान उतना नहीं होगा, लेकिन सक्रिय अधिक होंगे, ये मध्यम स्तर के व्यक्ति कहलाएंगे। मनुष्यों में भी ऐसा ही है, तमोगुणी व्यक्तियों की अपेक्षा सक्रिय व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, वो क्रियावान है, सक्रिय है, कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है तो वो भले ही गलत कर रहा है लेकिन करते करते भी सीखेगा, वो बढ़ेगा, संभावना है उसकी। तो ये मध्यम स्तर के जीव कहलाएंगे। तो प्राणियों में, अन्य भिन्न भिन्न शरीरों में भी ऐसे ही देख सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और केवल मनुष्यों में भी हम व्यक्तियों के जीवनों को देख करके कह सकते हैं कि ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, और उसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि सात्विक है तो ये सर्वश्रेष्ठ है, राजसिक है तो मध्यम है, और तामसिक है तो नीचे है। ठीक है, इतना रखते हैं। पूछे पूछे, शक्ति नंदन जी को दी। ओ आचार्य जी, तुष्टि दोष के विषय में, ये आध्यात्मिक दोष जो गिनाए हैं, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, इसके नीचे छोटे अंभ, सलिल, अघ, ओघ, वृष्टि जो लगभग जलवाचक शब्द है, ये किस आधार पर रखे गए नाम? इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, आधार तो होगा कुछ ना कुछ जी,
उनको नाम दे रहे हैं तो, लेकिन इसका कोई ऐसा युक्ति संगत कोई अर्थ नहीं, मेरे को नहीं पता। सांख्य दर्शन की 25वीं कक्षा, सांख्य दर्शन का तीसरा अध्याय चल रहा है। पिछली कक्षाओं में शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, शरीर कितने प्रकार के होते हैं, उन शरीरों में सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की, तमोगुण की अधिकता होती है। सात्विक शरीर उच्च स्तर के माने जाते हैं, राजसिक मध्यम और तामसिक निचले स्तर के माने जाते हैं। इसके अलावा पांच विपर्ययों का वर्णन किया गया, मिथ्याजान और उसके अवांतर भेद भी कितने कर सकते हैं, हम बहुत कर सकते हैं। अशक्तियां बताई गई 28 प्रकार की, कि साधक के मुक्ति मार्ग में असमर्थताएं कितनी हो सकती है, और यदि ये सब समर्थताएं हों व्यक्ति में तो उतना उतना उसको सरलता होगी, शीघ्रता होगी, ये साधन है, उपयोगी है। लेकिन सब में सारी शक्तियां मिलना कठिन होता है, किसी में कुछ अशक्ति रहती है, किसी में कुछ अशक्ति रहती है, किसी में अधिक अशक्तियां रहती हैं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए उन अशक्तियों को दूर करने का प्रयास भी हमें करना होता है। जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन उतनी सामर्थ्य में पूरा प्रयत्न करने पर भी कम गति होती है। अब यदि हमें गति बढ़ानी है तो हमें असमर्थता को दूर करना होगा। मान लीजिए कोई साइकिल हमारे पास में है और उससे हम चल रहे हैं, जितनी भी गति हो रही है, उस साइकिल में हवा ठीक नहीं हो, कम हो, तो चल तो रही है लेकिन वो एक अशक्ति है। हमारा प्रयत्न पूरा लग रहा है, मेहनत पूरी लग रही है, लेकिन हवा कम है तो जितना परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। पहियों में तेल नहीं दिया हुआ है, सफाई नहीं की गई है उसकी, तो उसमें मिट्टी लगी हुई है, जहाँ घूमता है, बेरिंग वगैरह होते हैं, छर्रे होते हैं, धागे लिपटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कुछ तार लगे हुए हैं, पहिया टेढ़ा मेढ़ा है, इत्यादि जो जो गति में बाधक हैं, ऐसी कई चीजें उस साइकिल में हैं। अभी हमारे चल तो रही है वो, लेकिन अशक्ति तो मानी जाएगी। एक व्यक्ति वो होता है जो जैसा भी साधन है बस उसमें पूरा जोर लगाता रहता है, तो ठीक है, जितना जोर लगा रहा है और जैसे साधन है उसके अनुसार जितनी गति होगी साइकिल की हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति प्रयत्न भी कर रहा है लेकिन उसे ये पता लग रहा है कि कुछ साइकिल में भी सुधार की अपेक्षा है, यह अशक्ति है, मेरी जितनी ताकत लग रही है उसके अनुरूप फल नहीं आ रहा है, तो हवा देखेगा और कारण देखेगा, उन बाधाओं को दूर करेगा, प्रयास करेगा, तो प्रयास करके फिर चल पड़ेगा। तो ये जो अशक्तियां बताई गई ये ऐसी ही बाधाएं हैं हमारे चलने में साधना पथ पर, इनसे कुछ न कुछ अड़चन सबसे होती है। इन अड़चनों के रहते भी कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो चला रहा हूं, चल रही है, तो चला तो रहा है वो, पर वैसी ही चलेगी। किसी साइकिल वाले को दूसरे ने सुझाव दिया कि तेल वेल डलवा लो, बस हल्की चलेगी, हवा भरवा लो, बोले नहीं चल रही है साइकिल, ठीक है चल तो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा किस लिए बोल रहा है वो, आपकी साइकिल और अच्छी चलेगी, इतनी ताकत में तो आप और तेज चल लेंगे, अथवा यही गति रखनी है तो इतने परेशान नहीं होंगे, थक
थक जाएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर खूब जोर लगाएंगे, फिर थक जाएंगे। इसकी बजाय आप कम ताकत लगा के देर तक चल सकते हैं और अधिक रास्ता तय कर सकते हैं, हो सकता है ना। बस ऐसी ही समझ इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ, सबके साथ में। तो अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ाना आवश्यक होता है, अशक्तियों को दूर करना आवश्यक होता है। मुक्ति लक्ष्य बना हुआ है और उसके अनुकूल साधनों को भी जुटाना होता है, साधनों के लिए भी प्रयत्न करना होता है। और साधनों के लिए किया गया प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता, उसे व्यर्थ होना नहीं बोलते। वो प्रयत्न हमें मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत सरलता दे देगा। अब एक व्यक्ति को यूं लगता है कि हवा भरवाने के लिए अगर रुकेंगे तो फिर तो गति नहीं हो पाएगी मेरी, ये दूसरा तो मेरे से आगे निकल जाएगा। हवा भरवाएंगे तो कुछ समय तो लगेगा ना, 2-4-5 मिनट। अब उसको वो बाधक देख रहा है, भाई कहा तो ये गया है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, अब मैं ब्रेक लगा के रुकूंगा, उतरूंगा, हवा भरूंगा, तो ये तो योग मार्ग पे चलने के विपरीत हो गया। ऐसा कोई सोच सकता है? समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको सारा गणित पता है। मैं रुकूंगा भी, 5 मिनट लगेंगे भी, हवा भरवाऊंगा, तेल डलवाऊंगा, ये 5 मिनट की कसर तो कैसे भी निकल जाएगी आगे, उससे अच्छा होगा, परिणाम उसको अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए यदि वो रुक करके कुछ समय साधनों में भी लगाता है तो उसको अपनी योग मार्ग में बाधा प्रतीत नहीं होती है, वो समझता है बातों को। लेकिन अगर नहीं समझा हुआ है, बस भावना से लगा है कि मेरे को तो बस आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है बिल्कुल, शास्त्रों के वचन है, गुरु का उपदेश है, और ऐसे वो ध्यान नहीं देगा तो वो बाधा अपने लिए खड़ी कर रहा है, उसकी गति कम होगी, मेहनत अधिक लगेगी। ये तो समझ की बात है, जैसे लोक के अंदर हम समझ लेते हैं वैसा ही बस अध्यात्म में भी समझना है, कोई नई बात नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन विचित्रता ऐसी है कि लोक की बातें तो फिर भी समझ में आ जाती हैं, वहां ऐसा व्यवहार करेंगे तो पता लगता है कि मैं मूर्खता कर रहा हूं, क्योंकि वहां पता लगता है परिणाम, लेकिन अध्यात्म में उसको पता नहीं लगता इस बात का, और उन मूर्खताओं में ही व्यक्ति जकड़ा हुआ रहता है, सोचता है समय चला जाएगा इसको देखने में, ऐसा करने में, वो व्यर्थ लगता है उसको समय। तो साधनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगता है, और परिणाम ये निकलता है कि बाद में वो साधन ही उसके लिए इतने बाधक बन जाते हैं कि रुकना तो पड़ेगा उसको। अब जो बिना तेल डलाए, बिना सफाई किए साइकिल को चलाए जा रहा है, तो उसके छर्रे कटेंगे या नहीं, ज्यादा घिसेंगे या नहीं, मेहनत तो हुई है और वो कट जाएंगे। कम हवा में चला रहा है तो पहिया कटेगा या नहीं, टायर और ट्यूब कटेगा, फिर पंचर होगा, बड़ा कट लगेगा, तब तो रुकना ही पड़ेगा। बेरिंग ही खराब हो गया, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, तब तो रुकना ही पड़ेगा, तब और ज्यादा रुकना पड़ेगा, तब और ज्यादा मेहनत होगी, अधिक पैसा खर्च होगा, और जो उससे पहले जो कष्ट भोगा वो तो भोगा ही। तो इन विभिन्न अशक्तियों को बताने का तात्पर्य यही है कि हमें ध्यान रहे कि ये सब हमारे लिए मुक्ति में सहायक है, साधन है, इनकी न्यूनता हमारी साधना में बाधा खड़ी करेगी, चाहे शारीरिक न्यूनता हो, चाहे इंद्रियों की हो, चाहे मानसिक हो, बौद्धिक हो, ये बाधा तो खड़ी करेगी। और जिनके पिछले पुण्य कर्म है ये चीजें अच्छी हैं जिनके पास, अथवा वर्तमान में जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और इन चीजों को सार संभाल करके रख रहे हैं, वो अपेक्षा से अधिक देर तक चलेंगे, अधिक दूर तक जाएंगे और पीड़ित भी नहीं होंगे, कष्ट भी नहीं होगा उनको, मार्ग इतना कठिन नहीं लगेगा उनको। साइकिल खराब हो, गाड़ी खराब हो और फिर खूब जोर लगा के चलते हैं तो रास्ता बड़ा कष्टप्रद लगेगा, और साधन अच्छे हो तो उतना ही मार्ग चलने में कष्ट नहीं लगेगा, कम लगेगा, सहन करने योग्य होगा। और कई बार इतना कष्ट लगने लगता है कि व्यक्ति इस मार्ग को ही छोड़ बैठता है, बोले मेरे से तो संभव ही नहीं है, इतना कष्ट है इसमें, तो ये समस्या वो समस्या, ये नहीं पता कि सारी समस्या, अधिकांश समस्या मैंने खुद ने पैदा कर रखी है, कि मार्ग इतना कठिन नहीं है,
मैंने अपनी अज्ञानता से असमर्थता से बाधाएं खड़ी कर ली हैं अपने लिए, तो साधक को इन अशक्तियों का ध्यान रखना ही होता है। और जो तुष्टि की बातें बताई, संतोष अवश्य होना चाहिए, मैंने यहां तक उपलब्धि प्राप्त की है और संतोष होना ही चाहिए, लेकिन वो तुष्टि दोष में ना बदल जाए। वो ही तुष्टियां हमारे लिए अशक्ति के रूप में ना आ जाए, बंधन बाधक के रूप में ना आ जाए, ये सावधानी हमें अवश्य रखनी है। मिथ्या संतुष्टि में ना चले जाए, उस जितना जितना हमने पाया है बस उसको अंतिम ना समझ बैठे, इतना अच्छा आनंद आ रहा है, हाँ सुबह शाम ध्यान उपासना में अच्छा लग रहा है, बस हो गया और कुछ नहीं। अथवा ऐसे ही और कई चीजों को कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी कि हाँ बस हो गया, पर्याप्त है मेरे लिए। तो इस प्रकार इन्होंने ये 28 प्रकार की अशक्तियां बताई, 9 प्रकार की तुष्टि, 8 प्रकार की सिद्धियां, और ये जो सारे के सारे हैं इनका योग 60 बनता है। 60 विपर्य कितने? 5। अशक्ति 28, कितने हो गए? 33। और 9 तुष्टियां कितने हो गए? 42। और 8 सिद्धियां 50। और 10 और इसमें जोड़ते हैं मौलिक जो सिद्धांत है, 10 वो जोड़ के ये 60 चीजें होती हैं। और इसको शास्त्र को इसलिए षष्ठी तंत्र भी नाम दिया गया, आपकी पुस्तकों षष्ठी तंत्र 60 है जी। 10 मूल तत्व इनके सिद्धांत हैं जिसको जोड़ करके उसको 60 कुल मिला करके होते हैं, इसका एक नाम ये भी रखा गया षष्ठी तंत्र है जी। सांख्य दर्शन का हाँ हाँ तंत्र, तंत्र माने शास्त्र, ये इस नाम से भी ये प्रचलित है, इसी आधार पे नाम ये रखा जाता है, ऐसा कथन किया जाता है। तो फिर बताएंगे, तो ये कुछ बातें हमारी पीछे हुई थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो बोलिए, माइक जिनके पास में है। आचार्य जी नमस्ते, इसमें इसी पाठ में तृतीय अध्याय में 46वां सूत्र बता दीजिए। इसको अध्याय को बोलिए तृतीय अध्याय। हाँ ये उच्चारण होगा। हाँ इसमें 46वां सूत्र जी। हाँ तो देवादि प्रभेदाः, देव आदि जो भेद होते हैं, इसमें देव मनुष्य तिर्यक योनियां पशु पक्षी वृक्ष स्थावर, ये जो अलग अलग प्रकार हैं शरीरों के, स्थूल शरीरों के जो ये प्रकार हैं, ये भेद। और दूसरे ढंग से सबसे ऊंचा ब्राह्मण, अगले सूत्र में जो कहा आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये तने वाले पेड़ पौधों तक, अर्थात अच्छे से अच्छा और नीचे से नीचा जो ये स्थूल शरीर हैं, ये तत्कृते उसके लिए है, उस आत्मा के लिए है, पुरुष के लिए है। इस तत्कृते सृष्टि, ये जो सृष्टि है इस रूप में जो सृष्टि है, विभिन्न शरीरों के रूप में जो सृष्टि है, ये उस आत्मा के लिए है। और कब तक चलती है? विवेक होने तक चलती है। तो ये जो शरीर के भेद हैं वो बताए हैं यहाँ पर, तरह तरह के जो शरीर के भेद होते हैं उनका गणन मात्र है दैवादी। इसमें आचार्य जी उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक में 8 प्रकार के देव दिए हैं, तो ब्रह्म प्रजापति इंद्र पैत्र गांधर्व यक्ष राक्षस। आयुर्वेद में मानस प्रकृतियां बताई गई हैं, जो ये नाम बोल रहे हैं ना, एक तो प्रकृति होती है हमारी शारीरिक कि वातिक पैतिक कफच, अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। इसमें कफच प्रकृति वालों को ठंडी चीजें अनुकूल नहीं आती हैं, चिकनी चीजें अनुकूल नहीं आती हैं। वात प्रकृति वालों को ठंडी चीज अनुकूल नहीं आती है,
चित्त प्रकृति वालों को उष्ण चीजें अनुकूल नहीं आती है, प्रतिकूल पड़ती हैं इत्यादि। तो जैसे शरीर की प्रकृति होती है और उसके आधार पर सबकी अपनी अपनी जन्म से प्रकृति होती है, तो ऐसे मानस प्रकृतियां भी होती हैं। तो ये जो ब्राह्म गंधर्व आदि जो ये है, वहां पर मानस प्रकृतियों में भी सात्विक राजसिक तामसिक उनके भेद हैं, चरक सुश्रुत में इनमें बताए गए हैं, उसमें उनके अपने अपने लक्षण दिए गए हैं। तो ये जो दैवादी नाम दिए गए हैं, यानी वो ऊंची स्थितियां हैं सात्विक, उसके अंदर उनका ये उल्लेख है। ये मानसिक रूप से किस किस स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, आसुर सर्प शाकुन पैशाच प्रेत, ये सब कुछ तामसिक मानसिक प्रकृतियां होती हैं। उनके स्वभाव है कि इनका जीवन ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा करते हैं वो। मन कैसा है व्यक्ति का, उसके भेद प्रभेद वहां आयुर्वेद में बताए गए हैं, इसका ऐसा स्वभाव है। पृष्ठ संख्या उदयवीर जी की 144 पृष्ठ संख्या 144 में जो है ना, तो आठ प्रकार के जो देव हैं, ब्राह्म प्राजापत्य ऐन्द्र पैत्र गांधर्व याक्ष राक्षस पैशाच, इन्होंने किसी इसके आधार पर लिखा है, इन्होंने तत्व समास पुस्तक के आधार पर। मैं जो बोल रहा था वो आयुर्वेद के आधार पर बोल रहा था, ठीक है। ये अलग अलग स्वभाव से इसको इन्होंने नामकरण दिए हैं लोगों ने, उनको यूं पहचानना सीधे सीधे ये शरीर है। ये चीजें मानस से जुड़ी हुई है, बहुत सारी तो मन से जुड़ी हुई है, और ये हमारा ये स्थूल शरीर का भेद चल रहा है, उसके साथ साथ मानसिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। अब आप केवल इतना मान लीजिए कि अच्छे से अच्छा भी होता है, निकृष्ट से निकृष्ट शरीर भी होता है, मनुष्यों में भी भेद होते हैं और अन्य प्राणियों के मिलाएं उसमें भी भेद होते हैं। इसमें ऊपर वाले सात्विक होते हैं, बाकी जो अगले तीन सूत्र हैं, इतना तात्पर्य केवल ले लीजिए। वो कौन कौन से कितने कितने हैं, ये अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। इसमें आचार्य जी मनुष्यों को अलग श्रेणी में रखा गया है, तो मनुष्य से भिन्न होते हैं ये, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। मनुष्यों से भिन्न देवता अलग होते हैं, और दूसरे ढंग से इसको देखते हैं तो मनुष्यों में ही जो सात्विक लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनको हम देव कोटि के अंदर लेते हैं। विद्वानों को भी देव शब्द से कहा गया, ये शरीर इसी मनुष्य शरीर में ही, पर ये बहुत इस तरह की भी बहुत वचन मिलते रहते हैं कि मनुष्य से भिन्न कोई ऊंची दैव योनि है, उसके बहुत तरह के वर्णन अलग अलग जगह मिलते हैं, उसके लिए भी कोई निश्चित कहना मेरे लिए संभव नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। बोलिए जी, जिस तरह से अभी ये पूछ रही थी, तो उसमें कर्म के आधार पर अगर पूछा जाए कि शरीर मिलते हैं, तब क्या हम ये सात्विक राजसिक और तामसिक यही तीन इसके वर्गीकरण करेंगे, या जैसे अभी आप आयुर्वेद के आधार पर बता रहे थे वो भी करने होंगे? ये मोटा मोटा भेद इन्होंने किया, सात्विक राजसिक तामसिक। अब इसमें तरतम भेद भी होते हैं, तरतम मतलब इनके मिश्रण भी। ये तो एक मोटा मोटा एक कथन हो गया, तीन तरह से वर्गीकरण कर दिया। जैसे कि हम आज आर्थिक दृष्टि से अगर समाज को वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करते हैं, जैसे आर्थिक दृष्टि से केवल ये उच्च वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है और ये निम्न वर्ग है। तो उच्च वर्ग में अपनी कुछ पैमाने कर रखे भी, जिसके पास ऐसा ऐसा धन सुविधा हो वो उच्च वर्ग में आता है। अब उच्च में भी फिर भेद उपभेद कर देते हैं, मध्यम वर्ग में भी कह देते हैं भाई उच्च मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग, हम भेद कर सकते हैं, लेकिन कोई तीन भेद भी कर सकता है इसके। इसी तरह देशों का है कि भाई ये विकसित देश हैं, ये विकासशील देश हैं और ये अविकसित देश हैं। अब इनमें भी तरतम भेद हम न्यूनाधिकता सब जगह है ही, लेकिन एक मोटा मोटा विभाजन करते हैं। तो ये जो तीन विभाग की है, ये एक मोटे विभाग हैं कि इसमें क्यों भिन्नता होती है। इसमें सत्वरस्तम का एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार रहता है, वो हमारा मूल उपादान कारण है, उसकी भिन्नता हमारे शरीर में, बुद्धि में, इंद्रियों में रहती है, उनकी सक्रियता निष्क्रियता, उसको ये बहुत महत्व देते हैं। तो वो सात्विक राजसिक तामसिक तीन भेद की है। अब उसके उपभेद और जो विस्तार है, विस्तार तो हम कर ही सकते हैं, उसमें सात्विक भी बहुत तरह के होते हैं।
वो फिर आयुर्वेद या और जिन ग्रंथों में इनके विस्तार से वर्णन किए वो देखे जा सकते हैं। यहां इन्होंने इसका विस्तार नहीं किया, एक मोटे तौर पर केवल कथन किया, उनका भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर और सूक्ष्मता में जाना है, वो अभी पतंजलि में आयुर्वेद के ऊपर जो कक्षाएं लगी थी उसमें इस विषय पर मैंने वहां पर भी मानस प्रकृतियों पर विस्तार से बोला था, उसका रिकॉर्डिंग भी है, आप चाहें तो MP3 ले सकते हैं, या तो उस पर भी है, ये तो आर्काइव पे भी अपलोड किया हुआ है आयुर्वेद के नाम से, उसमें भी ये चीजें सारी मिलेंगी, नहीं तो सीधे ग्रंथों को देख सकते हैं आप। ये द्वितीय अध्याय में है जी, सूत्र नंबर 13 जी, यहाँ पर तत्वों के कार्य बताए गए हैं, तो यदि तत्वों के कार्य पूछे जाएं तो उसमें हम क्या ये सत्व रज और तम के कार्य का क्या प्रभाव बुद्धि पर और इस तरह से इसको जानेंगे, या जिसे अध्यवसाओ बुद्धि है तो इस तरह से इसको समझेंगे? हाँ, वो कह सकते हैं। आप तीसरे अध्याय का कह रहे हैं? द्वितीय, द्वितीय अध्याय का। हाँ हाँ, तो वो इस रूप में लिख सकते हैं कि बुद्धि क्या कार्य करती है, तो वो तीन सूत्र दिए, एक अध्यवसाय है वो भी, और नीचे के भी हैं धर्मादि, उनको की बुद्धि से क्या क्या होता है, सांख्य दर्शन क्या मानता है, उन सबको लिख सकते हैं, थोड़ा विस्तार कर सकते हैं उनका। मन का भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मन के क्या क्या कार्य हैं, जैसे उसकी प्रधानता के लिए कहा गया मन से ये होता है, वो सब बातें आती हैं। तो इसमें जैसे आपने सात्विक और राजसिक और तामसिक के आधार पर बताया, तो यही इसका भी वर्गीकरण होता है? वहाँ भी यही वर्गीकरण होगा हर चीज के अंदर। भारतीय परंपरा में सात्विक राजसिक तामसिक सबके लिए बहुत लगाते हैं, बुद्धि के लिए भी बोल देंगे, मन के लिए बोलेंगे, शरीर के लिए बोलेंगे, भोजन के लिए भी बोलते हैं, ये सात्विक भोजन है, ये राजसिक भोजन है, ये तामसिक भोजन है, प्रवृत्तियों कर्मों के लिए बोलेंगे, ये सात्विक कर्म है, ये राजसिक कर्म है, एक तामसिक है, बहुत ज्यादा जहां देखेंगे वहां पर ये बहुत इस ढंग से वर्गीकरण किया गया है, वो सब लिया जा सकता है। धन्यवाद। बोलिए आचार्य जी, ये आगे इधर दे दीजिए, 28 प्रकार की अशक्ति बताई है, तो ये कौन कौन सी गिनेंगे इसमें? 11 तो इंद्रियों की जी, और 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं, जब वो तुष्टियां तुष्टि दोष के रूप में होंगी तब अशक्ति मानी जाएगी, अगर उचित रूप में है तो उन 9 तुष्टियों को दोष नहीं मानते, वो उचित मानते। भाई एक तुष्टि हो गई, हाँ मैंने इसका पालन कर लिया, यहां तक स्थिति बन गई, अब मैं इसके आगे जा रहा हूं, अब मैं इसके आगे जा रहा हूं, तो ये तुष्टियां सहायक हो जाती हैं, हाँ ये काम पूरा हो गया मेरा, भाई मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, ये काम पूरा हो गया, अब मेरे को ये छोड़ना है, अब मेरे को झूठ बोलना छोड़ना है, अब मेरे को ये करना है, एक तुष्टि आती है, हाँ ये हो गया, ये वास्तविकता है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, तब तो ये अच्छी बातें हैं। और जब वो तुष्टि दोष के रूप में हो जाते हैं तो फिर वो अशक्ति में आएंगे। आपको कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, वर्षों से सत्संग में आते हैं, करते हैं, बोले जी अब क्या कर रहे हैं आजकल, सब कर रहा है सब, वर्षों से मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, ना बीड़ी पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ, सुबह इतनी बजे उठता हूँ, इतनी बजे खाना खाता हूँ, और ये चीज रोज कर लेता हूँ, ध्यान रोज करता हूँ, बस। अब उसके आगे की जो चीजें हैं उसका वो कोई कहने भी लगे तो बोले नहीं मैं तो सब करता हूँ, वो वहीं इतने संतुष्ट हो गए कि और क्या, मनुष्य जीवन में इतना कर लिया बहुत है, बस और क्या करना है, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है, इतना वो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनको और ऊंचाइयां क्या है न, ध्यान होता न करने की इच्छा होती, अटक जाते हैं। तो 11 इंद्रियों की अशक्ति, 9 तुष्टि दोष, ये अशक्तियां, और जो 8 सिद्धियां बताई हैं उन सिद्धियों का न होना, अभाव, अभाव होना, उस तरह की सामर्थ्य न होना, ये सब एक एक अशक्ति मानी जाएगी, ऐसे ही अशक्तियां हो गई। और अच्छा जी एक संग दोष को बता दीजिए एक बार। हाँ, संग दोष जो है, हमने किसी चीज का अर्जन किया, प्राप्त की, कुछ भी ले लीजिए आप, विद्या ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, मकान ले लीजिए, आश्रम ले लीजिए, शिष्य ले लीजिए, सब कुछ जो जो भी चीजें हम अपना करते हैं, अर्जित करते हैं, यश ले लीजिए, तो अर्जन किया और रक्षण भी किया और उसको क्षीण होने से भी बचा रहे हैं, हम कर रहे हैं, अब वो चलते चलते अब हम उससे हमारा लगाव हो जाता है,
राग हो जाता है, आसक्ति होती है, इसको संग दोष कहते हैं। जब उसको कोई छोड़ना भी चाहे तो उसको बड़ा कष्ट होता है, छोड़ते ही नहीं बनता उसको, उसको अच्छे के लिए लिया था, सुख के लिए लिया था, और अब वो गले की फांस बन गया है, बंधन बन गया है। अब आश्रम चला लिया, अब आश्रम को छोड़े नहीं बनता है, संभाले भी नहीं बन रहा, संभल भी नहीं रहा है, समस्या आ रही है, और छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा है। कैसे छोड़ो इसको, लोग क्या कहेंगे कि लोगों से पैसे लेके किया आश्रम बनाया, ये करेंगे वो करेंगे, अब वो छोड़ते भी नहीं बनता है। ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, वो संग दोष हो जाता है, छोड़ नहीं सकते, अब खुद बन जाते हैं उससे हम, ये संग दोष। धन्यवाद सर। हाँ बोलिए, इधर इधर दे दीजिए, नहीं दूसरा उनको दीजिए। नमस्ते आचार्य जी, ये तीसरे पाद का 35वां सूत्र, तीसरे अध्याय का 35वां जी। स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, यही सूत्र, इसमें क्या पूछना है? माइक माइक लीजिए। आश्रमों के बारे में दिया है, तो कैसे आश्रम में कैसे कैसे इसके लिए ये सब, ये यहाँ विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये धर्म शास्त्रों के अंदर लिखा है कि वे ब्रह्मचर्य आश्रम के क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि ये तो अध्यात्म की दृष्टि से है, केवल संकेत कर दिया अपने अपने आश्रम के विहित कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ है। अब हर चीज हर ग्रंथ में ही इकट्ठी हो जाए, ये तो फिर हर ग्रंथ इतना पोथा बन जाएगा, या फिर कोई एक ही ग्रंथ मिलेगा, वो चीजें पढ़ चुका है वो, जैसे मनुस्मृति में मिलेगा, स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं वो, कि किस आश्रम को कौन से कर्म करने चाहिए, आश्रम वाले को उनके कर्तव्य हैं, तो वो पहले से पता है, दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध है उस परंपरा में। यहाँ केवल संकेत कर दिया कि अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान, यहाँ स्वकर्म शब्द से लिया गया, और वो भी वृत्ति निरोध में सहायक होता है। तो कुछ थोड़ा सा उदाहरण तो दे सकते, उदाहरण दे सकते हैं, वो आप स्वयं बता सकते हैं, कोई आपके लिए, आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं अभी, गृहस्थ में आप रही हैं, अध्ययन भी आपने किया है, तो गृहस्थी के लिए बताइए, कौन से आश्रम का बताऊं मैं? वानप्रस्थ आश्रम का ही बताऊं। वानप्रस्थ आश्रम के लिए, तो वानप्रस्थी को तपस्वी होना चाहिए, तपस्या उसका मुख्य रहता है, उसमें स्वाध्याय करना, तपस्या करना, जप करना, और भिक्षा का लेना देना, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है, और नए लोगों को बताना सिखाना, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है। बाकी यम नियम का पालन तो है ही, वो तो लगभग सब जगह वैसा का वैसा ही है, वो सब यही अपने अपने नियम है। घर से अलग रहना, अरण्य में रहना, एकांत में रहना, ये वानप्रस्थी के लिए है, तो इनसे भी वृत्ति निरोध होता है। अब जो गृहस्थ में है उसके लिए कहा जाए कि वो शहर से अलग रहे, जंगल में जाके, उसका वृत्ति निरोध नहीं होगा, उसको तो चिंता हो जाएगी बाहर आके, जैसे आप लोगों को होती है, बार बार दूरभाष करना होता है, धंधे में क्या हो गया, बेटे का क्या हो गया, पुत्र का, पुत्र वधु का क्या हो गया, इत्यादि जो करते रहते हैं ना। नहीं करते, नहीं आपके लिए नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा, आप तो ठीक है, आप तो वानप्रस्थ हैं, आपको घर की क्या चिंता है, लेकिन परिवार वाले होते हैं, उनको सोचना होता है ना। वो अगर वानप्रस्थी की तरह से एकांत में चले जाएं तो रह नहीं सकते ना, आना जाना पड़ता ही है, बातचीत करनी होती है, तो ये कुछ भिन्नताएं होती हैं अपनी अपनी। और गृहस्थी अगर भिक्षा मांगने लगे, इससे वृत्ति निरोध नहीं होगा, उसके लिए समस्याएं होंगी। वानप्रस्थी मांग सकता है, सन्यासी मांग सकता है, उसको मांगनी ही चाहिए, गृहस्थी को तो भिक्षा देनी है, उसको उसका कर्तव्य पूरा करना है, भिक्षा देनी है। अगर वो भिक्षा नहीं देता है तो अध्यात्म में गति नहीं होगी उसकी, उसको इतना कमाना ही चाहिए कि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक कर सके, और उसके अतिरिक्त अन्य आश्रमों का भी यथाशक्य पोषण कर सके, इतना कमाना ही होता है उसको, नहीं तो असमर्थ है वो। थोड़ा सा संन्यास आश्रम पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। संन्यास आश्रम का सबसे मुख्य है अवैर, वैर किसी से नहीं हो, दूसरों को सबको उससे अभय हो जाए, अभय का प्रदान कर दें,
कि व्यक्ति को किसी को उससे भय नहीं लगे, ऐसा व्यवहार बना ले, और ऐष्णाओं का त्याग, उत्तरेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ऐष्णाओं का सूक्ष्मता से त्याग। वानप्रस्थी भी छोड़ता है, लेकिन सन्यासी को उसको और पालन करना होता है, और बाकी कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं परिव्राजक की तरह, अब उनको सब कर पाते हैं तो ठीक है कि भाई कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन वहां रहे, अब अपना अड्डा नहीं बनाए एक स्थान। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति वो भी बनाता है, घूमता भी रहता है, टिक करके भी सन्यासी रहते हैं, लेकिन परिव्रजन भी होता है एक, कि उसका कोई घर नहीं, कुछ नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस थोड़ा सा सामान लेके और चल रहा है, जहाँ गया खा लिया, पी लिया, रह लिया, आगे चल दिया, तो वो भी कठिन होता है। ऐसे खान पान का है, उपासना का नियम है, आंतरिक यज्ञ करने का है, बाह्य यज्ञ तो छूट जाता है उसका, लेकिन आंतरिक यज्ञ जो है, आत्म यज्ञ है, आत्मयाजी तो बनना होता है उसको, वो निरंतर चलना है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर पर विश्वास, ये सब चीजें जो चलती हैं, सब भिक्षा लेना, सांसारिक सुख साधनों के लिए कुछ ना करना, चाहे प्रचार के लिए जाएं, चाहे लेखन करें, चाहे पढ़ाएं, उसको पैसे के लिए नहीं करना, पैसा निर्धारित नहीं करना, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है, जितना मिल गया मिल गया, किसी ने जो भिक्षा दे दी ले ली, उसमें आग्रह नहीं कि मेरे को तो ये दो और मेरे को तो ये दो, ये चाहिए, ऐसे इत्यादि, ये उनके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। निष्प्रिय भाव से सबको समान रूप से देखना, अपने परिवार वालों के प्रति जो एक आग्रह रहता है वो गृहस्थ में उतना ठीक है, अच्छा है, अपने परिवार का उसी को देखना होता है, देखना चाहिए, वानप्रस्थ में वो थोड़ा दूर हो जाता है, संन्यास में उसको फिर सब परिवार वालों को, सब लोगों को वो समान रूप से देख सके, ये मेरा पुत्र या पुत्री या मेरी पत्नी, ये ना होके सबको समान रूप से देख सके, ये उसका अपना कर्म हो गया, महत्वपूर्ण कर्म है, ये पुत्रेष्णा से हटना ही है एक तरह से, ये सब अपने अपने कर्म है, वो उन कर्मों का अनुष्ठान, इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म में कर्म से विरति को कहीं प्रश्रय नहीं दिया गया है, कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाएं, उसको प्रश्रय नहीं दिया गया है, कर्म तो करने ही है हमें, कर्म करते हुए अपनी साधना भी करनी है, वो कर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर, लेकिन सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएं वो नहीं है, कुछ समय के लिए ठीक है, कुछ वर्षों के लिए भी चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल छोड़ करके बैठ जाएं और दूसरों पर ही आश्रित रहें, दूसरे भोजन की व्यवस्था करते रहें, दूसरे उनकी सेवा करते रहें, उनके लिए आश्रम बनाते रहें, कई जने उनके सेवा में ही लगे रहें, कई जने, इससे बहुत पुण्य क्षय होता है, बहुत पुण्य क्षय हो जाता है, पुण्य तो नहीं ज्यादा कर नहीं रहा है वो, पहले कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे, बहुत पुण्य क्षय, बहुत तेजी से क्षय होता है, जब दूसरे मनुष्यों की सेवा लेते हैं हम, एक मनुष्य की सेवा ले रहे हैं, उसके कितना मूल्य होता है उसके समय का, उसकी जब हम अपने लिए सेवाएं लेते हैं तो बहुत खर्चा होता है, अब भारत में तो सेवक बहुत सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ उतनी कीमत ही नहीं, विदेशों में अपना सेवक रखना बहुत मुश्किल होता है,